हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन। फ्रेंड्स, टुडे वी हैव कम अप विद आवर न्यू वीडियो स्पेशली फॉर दोस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एफसीआई एजीएम 2021 फॉर टेक्निकल पोस्ट। इन दिस वी विल डिस्कस टोटल 30 क्वेश्चंस फ्रॉम एंटोमोलॉजी पार्ट विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एफसीआई एजीएम 2021। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है एफसीआई एजीएम 2021 का, जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक वाला पार्ट है, उस पर हमने वीडियो बना रखी है। उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। और इसके अलावा हमने एफसीआई एजीएम की एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें जो इस बार का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वहाँ हमने जितनी जो हमारे पास वीडियो अवेलेबल है उनको हमने अरेंज कर रखा है। सो आज के लेक्चर में आते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ट्रैप क्रॉप फॉर डीबीएम इन कॉलीफ्लावर, जो डायमंड ब्लैक माउथ होता है, कॉलीफ्लावर में एक पेस्ट होता है डीबीएम, इसके मैनेजमेंट के लिए हम एक ट्रैप क्रॉप लगाते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं टोमेटो, मैरीगोल्ड, कैस्टर और मस्टर्ड। इन दिस द राइट आंसर इज मैरीगोल्ड। सो मैरीगोल्ड इज यूज एज ए ट्रैप क्रॉप फॉर डीबीएम इन कॉलीफ्लावर। सेकेंड क्वेश्चन इज पॉपुलेशन डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर शुड बी इंप्लीमेंटेड टू प्रिवेंट एन इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन। क्वेश्चन में यह है कि कौन सी पॉपुलेशन डेंसिटी पर हमको कंट्रोल मेजर शुरू कर देने चाहिए। जो पेस्ट इकोनॉमिक का पार्ट है ये पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसमें ये टर्म्स आते हैं डीबी डैमेज बाउंड्री, ईआईएल यानी कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल, ईटीएल मींस इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, एंड जीईपी मींस जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां पर हमको क्या बताना है कि कौन से पॉपुलेशन डेंसिटी पर हमको कंट्रोल मेजर शुरू कर देनी चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ईटीएल यानी कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। अब एक एक करके इन चार को देख लेते हैं। पहला है जनरल इक्विलिब्रियम पोजिशन, दैट इज जीईपी। ये क्या है? जो पेस्ट की एवरेज पॉपुलेशन रहती है ओवर द टाइम, उसको हम बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट। दूसरा इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ईटीएल बोलते हैं जिसको। ईटीएल इज अ पॉपुलेशन डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर शुड बी इंप्लीमेंटेड टू प्रिवेंट एन इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन। इस लेवल पर हमको कंट्रोल मेजर शुरू कर देने चाहिए, जैसे इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन या और जो भी कंट्रोल मेजर्स होते हैं उन सबको हमको इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। और जो ईटीएल होता है अधिकतर ईआईएल से नीचे रहता है। अब बात आती है ईआईएल क्या होता है। इट इज़ अ लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज। तो ये लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है जो इकोनॉमिक डैमेज कॉज करेगी। उसके बाद लास्ट टर्म है डैमेज बाउंड्री। डैमेज बाउंड्री क्या होता है? इट इज़ अ मेजरेबल लोवेस्ट लेवल ऑफ डैमेज, यानी कि ये इट मीन्स ये क्या है, ये लोवेस्ट लेवल पॉपुलेशन है जहाँ पर हम जो डैमेज है उसको हम मेजर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है, चार चीज़ें हैं। डैमेज बाउंड्री तो हो गया कि सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन जहाँ पर हम डैमेज को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है ईटीएल, जहाँ से हमको कंट्रोल मेजर शुरू कर देनी चाहिए। ईआईएल, जहाँ से इकोनॉमिक डैमेज होना शुरू हो जाता है। और जीईपी तो हो गया हमारा एवरेज जनरल पॉपुलेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज AWD, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। इट इज़ फॉलोड इन विच इंसेक्ट मैनेजमेंट, कौन से इंसेक्ट के मैनेजमेंट के लिए हम अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग फॉलो करते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं राइस स्टेम बोरर, BPH, आर्मी वॉर्म और DBM। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, BPH। सो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इज फॉलोड इन BPH। फोर्थ क्वेश्चन इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ द होस्ट प्लांट ऑन द सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इज नोन एज। देखो, एक फिनोमेना होता है जिस पर जो होस्ट प्लांट होता है वो जो पेस्ट है उसके सर्वाइवल डेवलपमेंट और उसके रिप्रोडक्शन को हैम्पर करता है या उसको उस पर एडवर्स इफेक्ट शो करता है। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, एंटीबायोसिस। इसके एग्जांपल भी हैं कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं वो केमिकल को सीक्रेट्स करते हैं या कुछ उनमें केमिकल फैक्टर्स होता है जो एंटीबायोसिस शो करता है, जैसे डिम्बोआ। ये किस में होता है? इट इज़ फाउंड इन मेज क्रॉप एंड इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट यूरोपियन कॉर्न बीटल। ये मेज में पहले से ही प्रेजेंट होता है डिम्बोआ, जो कि इसके अगेंस्ट काम करता है। इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे गोसीपॉल है, इट इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट हेलिकोर्पा आर्मीजेरा, सिनर्जिन। सिनर्जिन किस में होता है? कैबेज में होता है। और ये किसके अगेंस्ट काम करता है? एफिड और कुकुरबिटेसिन। इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट कुकुरबिट फ्रूट फ्लाई। और लास्ट में है सैलिसिलिक एसिड, और ये काम किसके अगेंस्ट करता है? राइस स्टेम बोरर। ये सारे के सारे जितने भी हमने केमिकल्स देखे ये प्लांट्स में पहले से मौजूद है और ये पेस्ट के लिए रेसिस्टेंस को इम्पार्ट कर रही है। तो ये आपको याद रखना है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटीबायोसिस। फिफ्थ क्वेश्चन इज फिश मील ट्रैप इज यूज टू अट्रैक्ट विच इंसेक्ट, कौन से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फिश मील ट्रैप का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर है सॉर्गम सूट फ्लाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो फिश मील ट्रैप इज यूज्ड अगेंस्ट सॉर्गम सूट फ्लाई। चलिए अगला है यहाँ पर एलिलो केमिकल्स। यहाँ पर एलिलो केमिकल्स के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे एलोमोन्स। एलोमोन्स क्या होते हैं? ये किसको बेनिफिट करते हैं? जो रिलीज कर रहा है, इस केमिकल को रिलीज कर रहा है उसको ये बेनिफिट शो करेंगे और टॉक्सिक इफेक्ट शो करेंगे जो इसका रिसीवर होगा। और दूसरा है कैरमोन्स। कैरमोन्स इट प्रोवाइड बेनिफिट टू द रिसीवर, जो रिसीवर है उसको ये बेनिफिट करता है। सिनोमोन, जो दोनों को बेनिफिट करता है। और एंटीमोन क्या है? किसी को एडवांटेज नहीं कर रहा है, ना तो रिलीजर को कर रहा है ना रिसीवर को कर रहा है।
तो ये कुछ एलिलो केमिकल्स के एग्जांपल्स थे, इनको आपको याद करने पड़ेंगे। इसके बाद है यहाँ पर बॉटनिकल्स के एग्जांपल दे रखे हैं। बॉटनिकल्स क्या होते हैं? बॉटनिकल्स आर द प्लांट ऑरिजिन एक्सट्रैक्ट, यानी कि हम उनको प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको इंसेक्ट के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। जैसे नीम है, नीम से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? एजेडिरिक्टिन, और नीम का साइंटिफिक नेम है एजेडिरिक्टा इंडिका। तो ये हो गया। दूसरा है पायरेथ्रम, पायरेथ्रम को किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? क्राइसैंथेमम से। तीसरा है एप्पल फैक्टर, एप्पल फैक्टर, और इसको हम केमिकली अगर हम बोलें तो इसको बोला जाता है फ्लोरिजिन, एंड इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट एफिड। और लास्ट है सोलेनम एल्कलॉइड, जो सोलेनम क्रॉप्स होते हैं, सोलेनेसी फैमिली के जितने भी क्रॉप्स होते हैं उनसे ही एल्कलॉइड निकाला जाता है। एल्कलॉइड जैसे हमारे टेप्टाइन या टोमेटाइन, तो इसको हम यूज़ करते हैं एज ए एंटीफिडेंट फॉर लीफ हॉपर्स, लीफ हॉपर्स के अगेंस्ट इसको यूज़ किया जाता है। एट्थ क्वेश्चन इज कॉटन बॉलवॉर्म इज ए विच टाइप ऑफ पेस्ट, कॉटन बॉलवॉर्म किस टाइप का पेस्ट है? ऑप्शंस दे रखे हैं माइनर पेस्ट, मेजर पेस्ट, की पेस्ट और पोटेंशियल पेस्ट। इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी, की पेस्ट। सो कॉटन बॉलवॉर्म इज अ की पेस्ट। अब यहाँ पर हम इसको की पेस्ट क्यों बोल रहे हैं? इसकी एक पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स है, जो हमने GEP और EIL ETL वाला कॉन्सेप्ट देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग ही पेस्ट का क्लासिफिकेशन किया गया है। अब जैसे माइनर पेस्ट है, माइनर पेस्ट क्या होते हैं? जिसमें जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट लेस देन EIL, यानी कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल, इससे नीचे रहेगा अगर जो उनका एवरेज पॉपुलेशन है, तो उसको हम माइनर पेस्ट कहेंगे। जैसे राइस हिस्पा इन केस ऑफ राइस क्रॉप, ये इसका एग्जांपल है। दूसरा मेजर पेस्ट, मेजर पेस्ट क्या होते हैं? इन विच द GEP लाइज वेरी क्लोज टू द EIL, EIL मीन्स इकोनॉमिक इंजरी लेवल। एग्जाम्पल्स आर कॉटन जैसिड्स एंड राइस स्टेम बोरर, ये हो गए मेजर पेस्ट। की पेस्ट क्या है? की पेस्ट के केस में जो एवरेज पॉपुलेशन होती है ना इंसेक्ट की, वो EIL से ऊपर रहती है अधिकतर, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं किसी भी क्रॉप के लिए। जैसे कॉटन के केस में है कॉटन बॉलवॉर्म एंड डायमंड ब्लैक मॉथ। एंड द लास्ट टाइप ऑफ पेस्ट इज पोटेंशियल पेस्ट। पोटेंशियल पेस्ट क्या होता है? इट इज़ नॉट ए पेस्ट एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली इट इज़ नॉट ए पेस्ट, बट आफ्टर सम टाइम अगर कोई ऐसी फेवरेबल कंडीशन आ जाती है या ओवर द टाइम, तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल पेस्ट। इस कंडीशन में जो GEP होता है वो EIL से लेस होता है। नाइन्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंसेक्ट एग पैरासिटॉइड। क्या बोला गया है यहाँ? पैरासिटॉइड तो है, एट द सेम टाइम इट इज एग पैरासिटॉइड। जैसे अलग अलग टाइप के होते हैं पैरासिटॉइड, जैसे लार्वल पैरासिटॉइड, वैसे ही यहाँ पर एग पैरासिटॉइड की बात करी गई है। ऑप्शन में इसका राइट आंसर है ट्राइकोग्रामा किलोनिस, ट्राइकोग्रामा किलोनिस। अदर ऑप्शन को देखें, जो ऑप्शन सी है ब्रैकॉन स्पीसीज, इट इज ए लार्वल पैरासिटॉइड। और जो ऑप्शन बी है ट्राइकोडर्मा, देखो ये पूरा अलग है, यहाँ ये एंटोमोलॉजी का पार्ट है नहीं, क्योंकि जो ट्राइकोडर्मा है इट इज़ अ फंगस। और आप कंफ्यूज मत होना, ट्राइकोग्रामा इज ए इंसेक्ट एंड ट्राइकोडर्मा इज ए फंगस। फंगस बेसिकली इट इज़ यूज्ड एज ए बायोफंजिसाइड, इसको हम बायोफंजिसाइड की तरह यूज़ करते हैं जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है। टेंथ क्वेश्चन इज ट्रांसजेनिक BT कॉटन वॉज डेवलप टू टारगेट विच इंसेक्ट, कौन से इंसेक्ट के अगेंस्ट हमने ट्रांसजेनिक BT कॉटन को डेवलप किया था? कौन सा इंसेक्ट है आपको पता ही होगा? ऑप्शन टू बॉल वॉर्म। सो ट्रांसजेनिक बीटिंग कॉटन वॉज डेवलप टू टारगेट अगेंस्ट बॉल वॉर्म। चलिए अब यहां पर एक टर्म आती है पेस्ट रिसर्जेंस, आपको पता होना चाहिए पेस्ट रिसर्जेंस क्या होता है। पेस्ट रिसर्जेंस इज अ रीअपियरेंस ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन इन इंजुरियस नंबर, यूजुअली ब्रॉट अबाउट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। यहाँ पर आपको किस चीज़ में मेन फोकस करना है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड। अगर क्या होता है, जैसे एग्जांपल देखें राइस के केस में, तो राइस के केस में क्यूनलफॉस का एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ किया गया था, जिसके कारण ये क्या था, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड या सॉरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड था। तो इसने जो राइस का जो BPH होता है उसके नेचुरल एनिमी को भी किल कर दिया, तो यहाँ पर इसका एक एडवर्स इफेक्ट हो गया, जो नेचुरल एनिमी है उनको भी इनको मार दिया इसने, क्यूनलफॉस ने। तो इस वजह से पेस्ट रिसर्जेंस का खतरा बढ़ गया, जो राइस में जो BPS था वो उसका पेस्ट रिसर्जेंस हो गया, उसके नंबर्स और बढ़ गए क्योंकि उसका नेचुरल एनिमी खत्म हो गया। अब देख लेते हैं जो BPH है, ब्राउन प्लांट हॉपर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके कुछ नेचुरल एनिमीज हैं जैसे वाटर स्पाइडर, मिरिट बग, देखो ये इंपॉर्टेंट है मिरिट बग, स्पाइडर एंड वेरियस एग पैरासिटॉइड। तो ये BPH के कुछ एनिमीज थे। अब यहाँ पर एक बात बताई जाती है, अगर हम राइस का कल्टिवेशन कर रहे हैं और उसमें कुछ हम इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, तो हमें किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? एक है सिंथेटिक पैराथ्रॉइड, मिथाइल पैराथियन, फेंथियन एंड क्यूनलफॉस। क्यूनलफॉस को आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड को यूज़ नहीं करना है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्टिसाइड। 12th क्वेश्चन, मेलाथियन इज अ विच टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड। मेलाथियन कौन सा टाइप का इंसेक्टिसाइड है? कॉन्टैक्ट है, फ्यूमिगेंट है या स्टमक पॉइजन है, कौन सा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्टमक पॉइजन। सो मेलाथियन इज अ स्टमक पॉइजन। क्वेश्चन नंबर 13 इज क्राइथ्री जीन टॉक्सिन
इज यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर विच टाइप ऑफ इंसेक्ट, कौन से इंसेक्ट के अगेंस्ट यूज करते हैं। आपको बीटी के बारे में पता ही होगा, बैसिलस थुरिंजेंसिस, इससे हम क्राइजिन को लेते हैं, उसको प्लांट में हम यूज़ करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांजेनिक क्रॉप। उससे क्या होता है, इंसेक्ट के अगेंस्ट रेसिस्टेंस डेवलप किया जाता है। अब यहाँ पर एक जीन है क्राइथ्री जीन, इसको कौन से इंसेक्ट के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कॉलियोप्टेरन्स, जो कॉलियोप्टेरन्स होते हैं जैसे बीटल्स, उनके अगेंस्ट ये क्राइथ्री जीन को यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं कुछ और भी जीन्स हैं जैसे क्राई वन, क्राई टू, क्राई थ्री, इनको किसके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। क्राई वन इसको यूज़ किया जाता है लेप्टोप्टेरन्स के अगेंस्ट, क्राई टू को लेप्टोप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स, क्राई थ्री को कॉलियोप्टेरन्स जो क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, और क्राई फोर को डिप्टेरन्स के अगेंस्ट। अब यहाँ पर एक और फैक्ट दे रखा है, बीटी और एनपीवी बोथ एक्ट एज ए स्टमक पॉइजन, ये दोनों एज ए स्टमक पॉइजन काम करते हैं। आपको यहाँ पर जितने भी हमने जीन्स इंक्लूड कर रखे हैं, क्राई वन, क्राई टू, क्राई थ्री, क्राई फोर, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि किसके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 इज कैलाथेंड विच इज ऑल्सो नोन एज डाइकोफॉल, ये मार्केट में डाइकोफॉल के नाम से आता है। डाइकोफॉल 18.5 EC इज यूज अगेंस्ट विच इंसेक्ट, या बोल रहे हैं विच पेस्ट, कौन से पेस्ट के अगेंस्ट यूज किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं रेट, माइट्स एंड इंसेक्ट, हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, माइट्स। सो कैलाथेंड इज यूज अगेंस्ट माइट्स। 15th क्वेश्चन इज नियोनिकोटिनोइड आर ए क्लास ऑफ इंसेक्टिसाइड दैट आर केमिकली सिमिलर टू निकोटीन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड। यहाँ पर कह रखा है कि एक नियोनिकोटिनोइड है, ये नई क्लास है इंसेक्टिसाइड की, विच इज केमिकली सिमिलर टू निकोटीन। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा इंसेक्टिसाइड नियोनिकोटिनोइड है। ऑप्शन दे रखे हैं इमिडाक्लोप्रिड, थाइमिथोक्सेम, एसिटामिप्रिड, तो यहाँ पर तीनों के तीनों सही हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। 16th क्वेश्चन है व्हाट इज द ETL लेवल फॉर BPH इन राइस प्लांट। राइस प्लांट के केस में BPH का ETL लेवल कितना होना चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 5-10 हॉपर्स पर हिल। क्वेश्चन नंबर 17 इज एंथेरिया माइलिटा इज किसका साइंटिफिक नेम है। एक सिल्कवॉर्म होता है टसार सिल्कवॉर्म, इसका साइंटिफिक नेम है ये एंथेरिया माइलिटा। सभी के हम साइंटिफिक नेम देख लेते हैं, मलबरी का होता है बॉम्बेक्स मोरी, मुगा सिल्कवॉर्म का एंथेरिया एसामेंसिस, एरी सिल्कवॉर्म का सोमियासिंथी रेसेनी, तसर सिल्कवॉर्म का एंथेरिया माइलिटा। 18th क्वेश्चन इज इंसेक्ट आर, इंसेक्ट क्या होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं कोल्ड ब्लड एनिमल, वार्म ब्लड, और ऑप्शन सी है पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स। अब बता देता हूँ पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स क्या होते हैं। पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स आर दोज हुज इंटरनल टेम्परेचर वेरीज कंसिडरेबली। जैसे एग्जाम्पल बता देता हूँ इसके, जैसे एम्फीबियंस है या कोई फिश है या रेप्टाइल्स हैं, ये सारे के सारे पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स होते हैं। और अदर लैंग्वेज में हम कहें तो पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स कैन नॉट जनरेट इंटरनल हीट, तो इंसेक्ट जो होते हैं वो पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच पेस्ट इज अकर्ड इन फील्ड एज वेल एज इन स्टोरेज। देखो फील्ड में तो इन्फेस्टेशन कर ही रहा है और स्टोरेज में भी कर रहा है, दोनों जगह ये इन्फेस्टेशन कर रहा है। ऑप्शन दे रखे हैं पोटैटो ट्यूबर मॉथ, एंग्यूनोइस, ग्रीन मॉथ और पल्स बीटल। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, पोटैटो ट्यूबर मॉथ, एंग्यूनोइस, ग्रीन मॉथ एंड पल्स बीटल, ऑल द पेस्ट विल इन्फेस्ट द क्रॉप इन फील्ड एज वेल एज इन स्टोरेज। 20th क्वेश्चन है ब्रोमोडियोलोन एंड जिंक फॉस्फाइट इज अ, क्या होता है ये, एकेरिसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड होता है या रोडेंटिसाइड होता है। आपने सुना होगा जिंक फॉस्फाइट, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, स्टोरेज में यूज़ करते हैं एज ए रोडेंटिसाइड, जो रोडेंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट इसको यूज़ किया जाता है। और जो ब्रोमोडियोलोन है ये भी क्या है, रोडेंटिसाइड है, यानी कि ब्रोमोडियोलोन एंड जिंक फॉस्फाइट इज ए रोडेंटिसाइड। 21st क्वेश्चन है फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटी ट्रांसजेनिक क्रॉप, इनमें से कौन सा बीटी ट्रांसजेनिक क्रॉप कॉटन का एग्जाम्पल है। यहाँ वैरायटी दे रखी है जयधार, वारालक्ष्मी, NH44 और ऑप्शन डी दे रखा है बॉलगार्ड। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बॉलगार्ड इज अ एग्जाम्पल ऑफ बीटी ट्रांसजेनिक कॉटन। क्वेश्चन नंबर 22 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट हार्मोन, इनमें से कौन सा इंसेक्ट हार्मोन का एग्जाम्पल है। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एग्डाइसोन। एग्डाइसोन इज अ बेसिकली इज अ मोल्टिंग हार्मोन ऑफ एन इंसेक्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ल्ड फर्स्ट फील्ड रेज ऑफ बीटी कॉटन वॉज ड्यूरिंग इन विच ईयर, कौन से ईयर में बीटी कॉटन का रिलीज किया गया था। ऑप्शन सी 1996, सो इन द ईयर 1996 द फर्स्ट फील्ड रिलीज ऑफ बीटी कॉटन वॉज स्टार्टेड।
24वां क्वेश्चन है, स्टेराइल इंसेक्ट रिलीज मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर विच इंसेक्ट। जो स्टेराइल इंसेक्ट रिलीज मेथड है ना, कौन से इंसेक्ट के अगेंस्ट यूज किया जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फ्रूट फ्लाई। सो स्टेराइल इंसेक्ट रिलीज मेथड इज यूज्ड फॉर फ्रूट फ्लाई। 25वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैट इज द हैवीएस्ट अमंग अदर। कौन सा चूहा है जो सबसे बड़ा है? तो यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं, रेटस रेटस, बेंडिकोटा इंडिका एंड बेंडिकोटा बेंगालेंसिस। तो यहां पर जो इंडिका वाला है, बेंडिकोटा इंडिका, इट इज द हैवीएस्ट अमंग द अदर्स, और इसका वेट होता है अराउंड ग्रेटर देन 600 grams, और जो बेंडिकोटा बेंगालेंसिस है इसका होता है अराउंड 300 grams। 26वां क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ कास्ट स्किन, फ्रास एंड हेयर ऑन बैग्स इज कॉज्ड ड्यू टू व्हिच स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। कौन से स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट की वजह से होता है? ऑप्शंस दे रखे हैं, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, साइटोफिलस ओराइजी, राइजोपर्था डोमिनिका, कोर्साइरा सिफेलोनिका। तो यहां पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, और ये किसका साइंटिफिक नेम है? खाफरा बीटल। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट एग इज यूटिलाइज फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ ट्राइकोग्रामा किलोनिस। ट्राइकोग्रामा किलोनिस के मास प्रोडक्शन के लिए कौन से इंसेक्ट का एग्स यूटिलाइज किए जाते हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं, ट्राइकोग्रामा किलोनिस, स्कर्पोफेगा इंसर्टुलस एंड कोर्साइरा सिफेलोनिका। यहां पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोर्साइरा सिफेलोनिका। सो द एग्स ऑफ कोर्साइरा सिफेलोनिका इज यूटिलाइज फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ ट्राइकोग्रामा किलोनिस। अगला क्वेश्चन है, डीडीटी वॉज फर्स्ट सिंथेसाइज बाय। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों में कंफ्यूजन रहती है कि डीडीटी को सिंथेसाइज किसने किया था। इसको सिंथेसाइज किया था जेडलर ने, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब आप कहेंगे कि सर इसका तो म्यूलर होना चाहिए। देखो म्यूलर ने डीडीटी की इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी को डेवलप किया था, या बोल रहे हैं उसकी डिस्कवरी करी थी उसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी की, बट इसका जो सिंथेसाइज किया था वो जेडलर ने किया था। यार बता देता हूँ, जेडलर ने डीडीटी का सिंथेसिस किया था 1874 में, और जो म्यूलर था इसने डीडीटी की इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया था 1939 में। 30वां क्वेश्चन है, पॉलिनेशन डन बाय हनी बीज इज कॉल्ड एज। अगर हनी बी पॉलिनेशन कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? एनिमोफिली, एंटोमोफिली, मेलिटोफिली और बोथ बी एंड सी। सो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। आपको पता होगा अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। एंटोमोफिली तो पहले से सही हो गया, पर जो ऑप्शन सी है वो मेलिटोफिली, स्पेशली इट इज यूज इन केस ऑफ हनी बी। हनी बी के केस में इसको बोला जाता है मेलिटोफिली, तो ऑप्शन डी ये इसका राइट आंसर होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, टर्माइट्स बिलोंग्स टू विच ऑर्डर। टर्माइट कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा एंड हाइमेनोप्टेरा। सो हेयर द राइट आंसर इज आइसोप्टेरा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, आई होप ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। और जाने से पहले मेरा आप सबके लिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कोशिश करना कि अगर आपको ये आता है तो कमेंट सेक्शन में इसको जरूर अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन है कि किसको थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड कहा जाता है। आपको बताना है कि थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड किसको कहा जाता है। ऑप्शंस आपको दे देता हूं मैं, ऑप्शंस हैं कार्बामेट्स, ऑप्शन बी बॉटेनिकल्स, ऑप्शन सी जोवेनाइट हार्मोन्स। तो यहां पर मैंने आपको तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको इसका आंसर बताना है कि थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड किसको कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।